सरकार में ही सुरक्षित नहीं भाजपा नेता, पार्षद के घर हुआ हमला, सरकार में ही भाजपा नेता सुरक्षित नहीं है। आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 59 से पार्षद पुष्पा देवी कुशवाहा के घर शनिवार देर रात अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। उनके घर पर कई राउंड फायर किए गए। बताया गया है कि पार्षद चुनाव के दौरान बीजेपी पार्षद कुशवाहा पर भी पहले भी हमले हो चुके हैं। उनके साथ में चल रहे समर्थकों के साथ भी कई बार चुनावी रंजिश को लेकर अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। पार्षद सुमित नगर में अपने परिवार के साथ रह रही हैं, जहां शनिवार की रात कुछ अज्ञात लोगों ने जान से मारने की नीयत से उनके घर के बाहर फायरिंग की है। मौके पर पहुंची थाना एतमादौला पुलिस ने अज्ञात लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। क्या मामला है, पूरा किस तरह की फायरिंग वायरिंग की गई आपके जो पार्षद है वार्ड नंबर? ये मेरे नजर में तो नहीं है, लेकिन रात को 12 बजे साढ़े एक बज के 30 मिनट पर फोन आया था मेरे पास में। मैं आया यहाँ आके देखा, कारतूस देखे मैंने। अब मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, पर लेकिन कारतूस देखे थे यहाँ। कितने बजे की घटना है? 1:30 बजे की बात। अच्छा, पुलिस मौके पर पहुंची थी? पुलिस मुझे यहीं मिली थी। क्या कोई पहले से कोई रंजिश चली आ रही है इनकी, जो क्या मामला था? ये चुनावी रंजिश है इनकी, वैसे तो कोई रंजिश है नहीं इनकी। हाँ। सीधे आदमी है। हाँ। चुनाव की रंजिश है, हारे हुए प्रत्याशी है, उनकी तरफ से कोई वारदात। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस मामले में? पुलिस देखो, रात तो कोई कार्रवाई की नहीं है। हाँ। अब जाएंगे थाने, उसके बाद मालूम पड़ेगी क्या कार्रवाई करती है।